हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का, क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। अब देखिए, जैसे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेज़ थे, वो भारत में जो है व्यापार करने आए थे। सबसे पहले तो वो व्यापार करने आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने यहाँ पर अपनी सत्ता जमा ली। ठीक है, तो जो अंग्रेज़ थे वो भारत में सबसे पहले जो है कि व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सत्ता भी स्थापित कर ली। इसी बारे में लेकर है यह जो है चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री क्लास 8 CBSE बोर्ड का है। तो देखिए, यहाँ पे हम ये जानेंगे कि जो मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब जो था, जो मुग़ल बादशाह थे, वो जो है कि भारत को बहुत ही लूट के और दूसरे देशों को ले जाते थे, यहाँ की संपदा को। तो ये बात कर रहा है कि जो मुग़ल बादशाह थे, जो मुस्लिम थे, उनमें जो औरंगजेब था, वो जो था औरंगजेब जो था आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। और उसने मतलब कि वो उन्होंने वर्तमान के जो अभी जो भारत है उसके बहुत बड़े हिस्से पर उन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार, बड़े बड़े जमींदार, तो क्या था कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके बाद जो है जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियायतें कम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकत और क्षेत्रीय रियायतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। तो जो 18वीं सदी स्टार्ट हुई थी उसके जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे जो राजनीति था, पॉलिटिक्स था, पर उसमें जो है अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ने लगा था। अंग्रेज जो है पहले एक व्यापारिक कंपनी, छोटी सी व्यापारिक कंपनी खोलने के लिए भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो जो अंग्रेज थे पहले तो यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे। एलिजाबेथ प्रथम से इजाज़त लेकर वो भारत आए थे व्यापार करने। ठीक है, अंग्रेज सबसे पहले व्यापार करने आए थे और उनको जो है भारत पर साम्राज्य स्थापित करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन फिर यह कैसे हुआ कि वो जो है इतने बड़े भारत के इतने बड़े साम्राज्य पे उन्होंने अपना अधिकार कर लिया? कैप्टन हडरसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि औरंगजेब के बाद कोई मुग़ल शासक इतना ताकतवर नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1897 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विरोधियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। ठीक है, 1857 की बात है, जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। जब विद्रोह कुचल दिया गया, तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। तो जैसे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ और उसके जो विद्रोह होते गए, उस विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया था और बहादुर शाह जब विद्रोह कुचल दिया गया, मतलब कि विद्रोह को किसने कुचला? अंग्रेजों ने कुचला। बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला था। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब आई और कैसे आई। ठीक है, कब आई और कैसे आई इसके बारे में हम देखेंगे। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से, देखिए क्या हुआ था कि 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि ब्रिटेन की या यूरोप की कंपनी थी, वो
वो एलिजाबेथ प्रथम से इजाज़त लेकर आई और जिसे कंपनी को पूरब से व्यापार करने के लिए एक अधिकार मिल गया। इस तो इजाज़त मिलने का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो एलिजाबेथ प्रथम ने इजाज़त दे दिया इंग्लैंड से कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मीन्स की पूरब में जाकर व्यापार कर सकती है। ठीक है, तो कर सकती है इस और उसके बाद जो है इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पर पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। यह जो चार्टर था, जो इजाज़त था, इजाज़त को ही चार्टर कहते हैं। इन्होंने जो इजाज़त ली थी एलिजाबेथ प्रथम से, वही जो है क्या करते हैं, वही जो है क्या है कि इजाज़त चार्टर मीन्स की इजाज़त लेना सहारे और जो है कि समुद्र पार जाकर कंपनी जो है ये नावों के सहारे जाती थी और ईस्ट में देखती थी कि वहाँ पे वो क्या व्यापार कर सकती है। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊँची कीमत पर बेच सकती थी। तो वहाँ से ये चीज़ें खरीद कर यूरोप में ऊँची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरा अंग्रेज व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। तो जो कंपनी को दूसरे अंग्रेज व्यापारियों से मीन्स कि जो अंग्रेज व्यापारी थे उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बस वो लोग ही आए थे, तो इसलिए दूसरे किसी अंग्रेज से उनको प्रति कंपटीशन नहीं था। उस ज़माने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा कंपटीशन ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों बाजार में आने से नहीं रोक सकता था। यह जो शाही दस्तावेज था यूरोपीय ताकतों को जो शाही दस्तावेज था वह दूसरे यूरोपीय ताकत जो दूसरे यूरोपीय ताकत थे को पूरब बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। मीन्स की शाही दस्तावेज ये था कि जो इजाज़तनामा जो कि एलिजाबेथ प्रथम से अंग्रेज लेकर आए थे पूरब के बाजारों में व्यापार करने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कोई और नहीं आ सकता था पूरब के बाजारों में। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने 1998 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड के जहाज जो है आते थे और वो कहाँ कहाँ व्यापार कर सकते हैं उसके बारे में सर्च करते थे और पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। पश्चिमी तट आप समझ ही सकते हैं, वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं जो शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे थे। फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे समस्या यह था कि सारी कंपनियाँ एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। जो यूरोप का बाजार था वहाँ पे यूरोप के बाजार में जो भारत में बनते थे सूती कपड़े कॉटन के और रेशम के कपड़े उनकी यूरोप के बाजार में बहुत मांग थी। और इसके अलावा जो मसाले होते हैं जैसे मिर्च, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सब की भी बहुत ज़बरदस्त मांग थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमत जो है बढ़ने लगी। तो जैसे कि दूसरे देश को कोई भी चीज़ अगर पैदा होती है और उसे हम एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरे देश को, तो क्या होगा कि इन चीज़ों की कीमत जो है बढ़ने लगी, भारत में बढ़ने लगी थी। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को खत्म
कर दे। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिला कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी, तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का यही रास्ता। यूरोपीय यहाँ पे जो ये व्यापार होते थे उसमें कपड़े, सूती कपड़े, रेशमी कपड़े और मसाले जाते थे। यूरोपीय कंपनियों के बीच भी इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो गया। भारत के बाज़ारों में इन चीज़ की कमी होने लगी और जो है उनसे मिलने वाला मुनाफा भी गिरने लगा। अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का यही रास्ता था कि वे अपनी मीन्स कि जब ज़्यादा कंपनियाँ हो जाएंगी तो क्या करेंगी कि एक दूसरे से कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा और इसके लिए व्यापार का एक होड़ सा लग गया। कंपनियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। 17वीं 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता तो क्या होने, जब ज़्यादा कंपटीशन हो गया तो एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में ये दूसरे कंपनियों के जहाज़ को डुबा देते, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देते, माल से लदे जहाज को आगे नहीं बढ़ने देते थे, आगे बढ़ने से रोक देते थे। ठीक है, तो जब कंपनियां ज़्यादा हो गई, ठीक है, ज़्यादा इंग्लैंड की कंपनियां भारत में ज़्यादा हो गई और उनके बीच बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया तो वो एक दूसरे को मारने लगे। यहाँ व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था, यहाँ जो व्यापार था हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। ठीक है, तो अब क्या हो रहा था कि सुरक्षा चौकियाँ बढ़ानी पड़ी, हथियारों, यहाँ व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा रखना पड़ता था और बस्तियों को किलाबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने के लिए इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे थे। तो जो वहाँ पे स्थानीय शासक थे उनसे भी उनकी टकरार होने लगी थी। तो फ्रेंड्स, ये जो है हम लोगों ने एक वीडियो में किया, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक ही वीडियो में या काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा तो छोटा पार्ट ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी को करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। अब देखिए यहाँ से आगे जो है हम लोग ये देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कैसे बंगाल में अपना व्यापार शुरू करती है और व्यापार से युद्धों तक, व्यापार में प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, क्या कारण थे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अभी ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं कमेंट करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।